कहाँ से आया रफी का? जी मैं कश्मीर से आया हूँ। क्यों आए दिल्ली? दिल्ली में इसलिए आया क्योंकि मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे कश्मीर में सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम मेरी यही है, मैं इलेक्शन ड्यूटी में था, जम्मू से श्रीनगर आ रहा था, अचानक हम पे अटैक हुआ सैमपुरा में। सैमपुरा में जबकि मेरी हाथ में फायर आ गया, तभी सीआरपी मेरी गाड़ी में थी, उन पे भी अटैक हुआ, जबकि एक सीआरपी बंदा वही मर गया। बाद में 10 मिनट तक हम पे अटैक रहा। अटैक के दौरान मैं फिर उठा, मेरे टांग में भी फायर लग गया। अटैक के दौरान मैंने सैमपुरा से पंथा चौक पुलिस स्टेशन तक गाड़ी भगाई। मैंने पंथा चौक पुलिस स्टेशन तक गाड़ी भगाई। बाद में मैं आर्मी हॉस्पिटल में रहा, सीआरपी हॉस्पिटल में रहा। बाद में मैं सब जगह गया, आईजी कश्मीर के पास भी गया, मैं डीजीपी कश्मीर के भी पास गया। नहीं, आपसे क्या कहा गया था? सरकार ने कुछ कहा था क्या? सरकार ने कहा था, महबूबा मुफ्ती ने मुझसे कहा था आपको जॉब मिलेगी, आपको अवार्ड मिलेगा, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो आप उसी के लिए दिल्ली आए हैं? जी सर। अच्छा, उसी के लिए। किस किस से मिले आप? जी मैं आईजी कश्मीर मुनीर खान से मिला, जी मैं डीजीपी से मिला, डायरेक्टर जनरल पुलिस से मिला और महबूबा मुफ्ती से भी मिला। अच्छा, कश्मीर में रहने में क्या दिक्कत आ रही है आपको, आप बता रहे थे? कश्मीर में थोड़ी दिक्कत आती है मुझे, कश्मीर में मुझे कोई बोलते हैं आपने ऐसे सीआरपी को बचाया है, आपने ऐसे, मगर मैंने सीआरपी को बचाया है, मैं किसी में कोई मिलिटेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई आर्मी में काम करता हूँ, मैं सिविलियन था। मेरे घर पे घर का बोझ है, मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ, इसीलिए मुझे चुनाव ड्यूटी में जाना पड़ा। नहीं लेकिन तो वहाँ किस तरह की दिक्कत आती है आपको? आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आपको क्या कहा जाता है वहाँ पे, और आपको काम वाम मिलता है वहाँ पे, काम वाम कर पाते हैं? काम करने में थोड़ी दिक्कत आती है मुझे। मुझे कुछ लोग कहते हैं आपने सीआरपी वालों को जान बचाई है, सीआरपी वालों की जान बचाई है, आपने हिंदुओं की जान बचाई है। अच्छा, आप पैर से लंगड़ा क्यों रहे हैं, कहीं चोट लगी है क्या? हाँ, मेरे पैर में गोली यहाँ से एक लगी है और यहाँ से एक। ये उसी अटैक में लगी थी क्या? जी सर जी। अच्छा जी, और हाथ पे भी लगा था, हाथ पे भी लगा था। आप अभी दिल्ली आए हैं, कैसे आए दिल्ली और कितना खर्चा लगा, कैसे आए दिल्ली, कहाँ रह रहे हैं आप? मुझे 10-20-25 हज़ार खर्चा हुआ लगभग। मैं मुझे होटल में 1000 रुपया रात को है, मैं कर्जा लेके यहाँ से यहाँ तक आया। अगर मोदी साहब कह रहा है कश्मीर हमारा है, कश्मीर का लोग हमारा है, फिर हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? महबूबा मुफ्ती ने बोला नौकरी देगा, मगर वो जो छोटा काम शायरी है वो बात आगे नहीं चला रहा है। तो चीफ मिनिस्टर से हम बार बार नहीं मिलने देगा, ये आपको पता है, वो चीफ मिनिस्टर है, एक बार मिला है, उसने बोला नौकरी देगा, मगर उसने बोला नौकरी देगा, उसने मत बोला ये कुछ नहीं देगा, उसने बोला नौकरी देगा, मगर हम उसको दूसरी बार कहाँ मिलने देगा, तीसरी बार कहाँ, वो तो चीफ मिनिस्टर है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि मैं बूढ़ा हूँ सर, मेरी टांगों में दर्द है मेरा।